नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी का फोकस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के रिवीजन सीरीज में बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस रिवीजन सीरीज को। क्वेश्चन नंबर वन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे विटामिन सी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में और सारे ऑप्शंस को जानते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं विटामिन्स होता क्या है। विटामिन्स एक पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर में किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं देता है। तो विटामिन सी, विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन जो होता है बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अब हमें इसमें और भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विटामिन की खोज किसने किया। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन दो तरह का होता है। विटामिन दो तरह का कौन कौन सा होता है? पहला होता है फैट सोलोबल, दूसरा होता है वाटर सोलोबल। फैट सोलोबल में चार तरह के विटामिन आते हैं। आता है ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप कीड़ा से याद कर सकते हैं, के ई डी ए। आप दिमाग में रखेंगे तो आपको फैट सोलोबल विटामिन पता चल जाएगा। उसके बाद आता है वाटर सोलोबल। वाटर सोलोबल में दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है विटामिन बी और एक होता है सी। विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। चलिए दोस्तों, तो इसके कुछ रासायनिक नाम के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है गाजर, चुकंदर और पालक होता है। विटामिन के का नाम होता है फेलोकोलानिन। विटामिन बी का नाम होता है थायमिन। ये सारे इसके केमिकल नेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत यानी कि लीवर के द्वारा किया जाता है? इसमें चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका आंसर विटामिन ए होगा। विटामिन ए जो होता है ये बड़े ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, वाइली फॉर्म में होता है। जब हम विटामिन ए की लिक्विड लेते हैं या टैबलेट लेते हैं तो ये हमारे पेट में जाता है और उसके बाद जाता है ये लीवर के पास। लीवर के पास जब जाता है तो लीवर इसको बड़े ड्रॉपलेट से छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ता है सिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। जब ये सिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा सिंथेसाइज करके विटामिन ए को लीवर रेहेडोस्पिन में बदलता है। रेहेडोस्पिन जो होता है हमारे, इस हेडोस्पिन को समझने के लिए हम एक तरह से समझ सकते हैं, हमारा आई जो होता है उसमें दो तरह के सेल होता है, एक कोन सेल होता है, एक रॉड सेल होता है। कोन सेल जो होता है लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है और रॉड सेल जो होता है कलर के प्रति सेंसिटिव होता है। तो रेहेडोस्पिन में ये जो विटामिन ए है रेहेडोस्पिन में कन्वर्ट होता है, जो हमारे आँख के पास जाता है, और रेहेडोस्पिन जो होता है रॉड सेल के पास जाता है, रॉड सेल लाइट को एक्टिवेट कर देता है। इसीलिए हमें बोला जाता है जितने भी आँख से रिलेटेड बीमारियां हैं वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर, चुकंदर, पालक, ये सारे। उसके बाद विटामिन ई आता है। विटामिन ई का जो नाम होता है उसको बोलते हैं टेकोफेरॉल, ये इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। विटामिन डी जो होता है इसका नाम होता है कैसीफेरॉल होता है। ये जो हमारे हड्डियों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और इसकी कमी से ही एक बीमारी होता है जिसका नाम क्या है, रिकेटस है, ठीक है। और उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के जो है इसको कोलोफोलिन बोला जाता है। इसकी कमी से आपको जो ब्लड का क्लॉटिंग है ना वो टाइमिंग बढ़ जाता है। अब यदि आपका ब्लड बाहर निकल रहा है तो उसको क्लॉट करने में 3 से 4 मिनट का नॉर्मल टाइम लगता है, लेकिन विटामिन के आपके शरीर में कमी है तो इससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? सबसे पहले विटामिन बी सिक्स जो होता है इसकी कमी से हमें इसका आंसर होगा जो अरक्तता होता है। अरक्तता किस कमी से होता है? विटामिन बी सिक्स के कमी से कारण होता है। लेकिन इसमें और सारे जो ऑप्शन है, रिकेटस हो गया, स्कॉर्बी हो गया, बेरी बेरी हो गया, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो रिकेटस रोग जो होता है वो विटामिन डी के कमी से कारण होता है। ये रिकेटस रोग एक चीज़ ध्यान रखना है, विटामिन डी के कमी से तो होता ही है, लेकिन सिर्फ ये 8 से 12 साल के बच्चों में ही रिकेटस नामक बीमारी होती है, और उससे ऊपर वाले एडल्ट एज में जब विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्टोमोलोसिया नामक बीमारी हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन बी पे हम आते हैं, स्कॉर्बी। स्कॉर्बी जो होता है ना ये बीमारी विटामिन सी के कमी के कारण होता है। उसके बाद ऑप्शन है आपका बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी वन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, छिली हुई सब्जियाँ को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि विटामिन दो तरह का होता है, एक होता है फैट सोलबल, दूसरा होता है वाटर सोलबल। फैट सोलबल में कौन कौन सा आता है, कीडा KEDA, और वाटर सोलबल में आता है BC। जो विटामिन सी है यहाँ पे वो वाटर में सोलबल है, जैसे ही आपने सब्जी को काटा और उसके बाद धोया तो विटामिन सी जो होता है ना पानी में घुलनशील होता है, तो ये पानी के साथ बाहर निकल जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घातक होता है, यहाँ घातक लिखा हुआ है लेकिन होगा ये विटामिन B12 का घोटक होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा विटामिन B12 में एक जो धातु होता है वो कौन सी धातु होता है, वो होता है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप क्या आंसर दोगे कि कोबाल्ट धातु जो होता है ना विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। संक्रमण को रोकने के लिए एक ही विटामिन काम करता है, वो है विटामिन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन ए जो संक्रमण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। अब देखो शर्करा क्या होता है, चीनी, ये सुक्रोज भी शर्करा है, ग्लूकोज भी शर्करा है, फ्रुक्टोज भी शर्करा है और माल्टोज भी शर्करा है, लेकिन फ्रुक्टोज जो है जो फल से शर्करा फलों वाली शर्करा होती है ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। ग्लूकोज और सुक्रोज से भी ये मीठी शर्करा होती है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, खट्टे स्वाद के लिए जीभ कोशिकाओं में कौन सा भाग होता है। जीभ के पास जो टेस्टिंग बड्स होता है वो 4 या 5, कहीं कहीं पे 4 आपको टेस्टिंग बड्स दिखेंगे, कहीं कहीं पे आपको 5 टेस्टिंग बड्स दिख सकते हैं। इन क्वेश्चन को समझने के लिए हम जीभ का कुछ स्ट्रक्चर समझते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। ये जीभ का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इस पे टेस्टिंग बड्स होता है, ये आगे वाले पार्ट पे जो होता है ना, आगे वाले पार्ट पे यहाँ पे आपको टेस्टिंग बड्स मिलेंगे जो इस तरह से होंगे, जो आगे वाला पार्ट्स हैं यहाँ पे ये स्वीट के लिए होता है, ये मीठे स्वाद के लिए होता है। साइड साइड में जो यहाँ पे दोनों साइड्स में रहेंगे ये जो होता है ये सॉल्टी के लिए रहता है, नमकीन के लिए रहता है, ये नमकीन के लिए रहेगा। और जो बीच वाले पार्ट में होता है यहाँ पे ये खट्टा वाला रहता है, यहाँ पे जो खट्टा स्वाद जो होता है ये यहाँ पे रहता है, और ये जो होता है आपका यहाँ पे सबसे पीछे यहाँ पे होता है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक का जो स्वाद आता है आपको यहाँ पे आता है, इसलिए इसमें आपको कौन सा है पूछा गया है कि खट्टे स्वाद के लिए, तो इसका जो होगा ना मध्य वाला भाग जो होगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, इसमें फैट पाया जाता है। वसा की मात्रा जो होता है ना, बार बार जब देखते हैं जो समोसे बेचने वाले होते हैं, जो रोड साइड्स पे सामान बेचते हैं, वो एक ही तेल में बार बार सामान को तलते रहते हैं, जब बार बार तलते हैं तो उसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती है, वो भी कौन सी मात्रा बढ़ती है, ये कंसंट्रेटेड फैट हो जाता है, ट्रांस फैट जो होता है ना उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हमें वो कैंसर हो जाता है। ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ने के कारण हमें कैंसर हो जाता है, ट्रांसफैट की मात्रा बढ़ने के कारण हमें इसमें कैंसर हो जाता है। स्कर्वी रोग में किस अंग में होता है, स्कर्वी रोग जो होता है सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्कर्वी रोग किसके कारण होता है। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग होगा कहाँ पे, यहाँ पे केस में तो हो नहीं सकता है, जिगर में हो नहीं सकता, नेत्र में हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर होगा आपका चर्म, जो चमड़ा होता है, स्किन होता है, उस पर स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है। अब इसमें से पता करना, जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से विटामिन कौन सा है, पहला है केरोटीन, दूसरा है राइबोफ्लोबिन, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है एडिलिनिन। अब इसमें पता करना है कि आपको कौन सा इसमें विटामिन है, तो आपको पता होगा कि विटामिन B2 जो होता है ना, B2 उसका नाम होता है राइबोफ्लोबिन। केरोटीन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो आपके नाखून में होता है, बालों में होता है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जिसकी कमी हो जाने से आपको ब्लड शुगर हो जाता है, और एड्रेलिन जो होता है ये भी एक हार्मोन है जिसको कि हम बॉडीगार्ड ऑफ द सेल बोलते हैं, बॉडीगार्ड ऑफ ह्यूमन सेल बोलते हैं, इसको हम 3F सेल, 4S सेल, डू और डाई सेल के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको 3F सेल, 4S सेल और डू और डाई के नाम से जानते हैं, करो और लरो के नाम से भी इसको हम
जानते हैं एडेनिलिन हार्मोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंसुलिन में जो होता है ना उसमें जस्ता धातु मौजूद होता है। जस्ता जो होता है इंसुलिन में मौजूद होता है। तो आपसे दूसरे तरह से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इंसुलिन के निर्माण में कौन सा धातु मदद करता है? तो आपको क्या बताना है कि जस्ता धातु इंसुलिन के निर्माण में मदद करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। आगे आया है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्या है? सूखने वाले तेल में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है? अब देखो, कोई कोई सा तेल जो हम बॉडी मसाज के लिए जाते हैं, बॉडी ऑयल जो यूज करते हैं, वो जल्दी हमारे शरीर में अब्जर्ब हो जाता है। लेकिन जो ऑयल हम हेयर ऑयल के लिए यूज करते हैं, वो यदि हम अपने बॉडी पे लगाएंगे तो देरी से ऑब्जर्व होता है। इसका कारण क्या होता है? जो बॉडी ऑयल होता है उसमें असंतृप्त वसा अम्ल होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से ये शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत क्या होता है? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसका प्राथमिक स्रोत जो होता है पौधा होता है। पौधा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस के क्रिया करके एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करता है। ये अपना जो एक्स्ट्रा खाना होता है ना, संचित खाना, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करता है और उसी खाने को हम आगे के फूड चेन में यूज करते हैं। इसलिए हमें बताया गया क्वेश्चन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत जो होगा वो पौधा होगा। नेक्स्ट, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है किसके कारण? चॉकलेट जो होता है इसमें सीसा और कोबाल्ट, सीसा और कैडमियम धातु उपस्थित होते हैं। इसकी वजह से यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जब तक चॉकलेट में सीसा और कैडमियम नहीं मिलाया जाएगा ये अपने स्ट्रक्चर को गेन नहीं पाएगा। एक जो ठोस स्ट्रक्चर, जो एक आकृति मिलती है, अट्रैक्टिव आकृति मिलती है, वो सीसा और कैडमियम की वजह से ही होता है। तो इस सीरीज में आज हम 15 क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट सीरीज में और 15 क्वेश्चन को ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।